Students, we will continue in this lecture our exercise 4.5 from question number 14. For the matrix A, आपको कोई matrix दी है और वो क्या दी है, एक second order की matrix आपको दी है. जब तक आपके पास second order की matrix है, आपके पास कोई problem नहीं आने वाली. हालांकि problem तो third order में भी नहीं आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो process है, जो steps हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. बस फर्क इतना ही है, method same है. 3, 2, 1 and 1, ये मैट्रिक्स आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में. फाइंड द नंबर्स ए एंड बी. आप ए और बी नंबर्स जो हम दे रहे हैं वो निकालिए, सच दैट ए स्क्वेयर प्लस ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ ए ऑफ ए है बेटा, ये ए ऑफ ए है एंड बी ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स. ये जीरो मतलब बेटा नंबर्स में जीरो है, ये जब आप मैट्रिक्स यूज करेंगे तो आप उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे जिस ऑर्डर की आपके पास कंसर्न मैट्रिक्स है. ठीक है, चलिए. सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं ए स्क्वेयर, तो उसके लिए आपको ए स्क्वेयर निकालना होगा एंड दैट इज व्हाट ए इंटू ए. ए क्या आपका 3, 2, 1 and 1 डॉट 3, 2, 1 and 1. ध्यान रहे ए स्क्वेयर में आप ए का होल स्क्वेयर मत कर देना, मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. 3, 3 is 9 and 2, 1 is 2, 9 plus 2. 3, 3 is 9 and this is 3, 3 is 9 and 2, 1 is 2. 3, 2 is 6 and 2, 1 is 2. 6 plus 2. 1, 1 से 3 plus 1, 2 plus 1. 3 plus 1 and this is 2 plus 1, क्योंकि दोनों 1, 1 एलिमेंट हैं, सेम नंबर आने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. क्या आएगा देखिए, 9 plus 2, 11, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 3. ये तो आ गया बेटा आपके पास ए स्क्वेयर. ठीक है, फिर ए ऑफ ए क्या होगा, आप ए की मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट इसको, तो ये हो जाएगा 3a, ये 2a, ये a और ये बेटा a. बी ऑफ आई क्या होगा, बी 0, 0, b. सिंपल सा लॉजिक है. अब क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट यूज़ करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. ए स्क्वेयर ये रहा आपके पास 11, 8, 4 and 3 प्लस ए ऑफ ए ये 3a, 2a, 3a, 2a, a and a प्लस बी 0, 0 and b. ये है आपके पास बी 0, 0 and b इक्वल्स टू व्हाट द जीरो मैट्रिक्स 0, 0, 0 and 0. चलिए 11 plus 3a plus b, 11 plus 3a plus b, 8 plus 2a plus 0 है 8 plus 2a, 4 plus a ये आपके पास यहाँ से आ गया 3 plus a plus b, 3 plus a plus b एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट 0, 0, 0 and 0. ठीक है, अच्छा इसमें पूछा क्या है, सिर्फ a और b की वैल्यू पूछी बेटा आपसे और कुछ नहीं पूछा. चलिए बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिस इज द रिजल्ट, है ना, 11 plus 3a plus b इक्वल टू 0, 8 plus 2a इक्वल टू 0, 4 plus a इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3 plus a plus b इक्वल टू 0. देखिए यहाँ से मेरे पास मैं चाहूँ तो a की वे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी -4, और यहाँ मैं -4 रखता हूँ a की वैल्यू, तो 3 -4 -1 -1 उधर जाएगा, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. फॉर कन्फर्मिंग योर आंसर चेक आउट द वैल्यूज, आप यहाँ पुट करके देखिए -12 कितना हो जाएगा, ये -12 और 1 यहाँ रखिए +12, 12 -12 0, इसका मतलब a इज व्हाट -4 एंड b इज व्हाट 1. ये तो वैल्यू आ गई आपकी a और b की. अगर आप इस रिजल्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए कितना -4 है ना, तो बेटा ये हो जाएगा -4a एंड दिस इज b ऑफ b 1 है, तो 1 इंटू आइडेंटिटी क्या होगा आपका 1 इंटू आइडेंटिटी दैट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर -4 ऑफ a इक्वल्स टू -5. ठीक है, वही ए स्क्वेयर -4 ऑफ a को आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए a इनवर्स से, अगर आपको इनवर्स चाहिए तो. ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा अंदर जाएगा, तो ये a इंटू a इनवर्स
माइनस फोर ए इंटू ए इनवर्स एंड दैट इज माइनस ऑफ ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से i, तो ये ए इंटू आई माइनस फोर ऑफ आई दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इनवर्स। देन व्हाट इज ए इनवर्स, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ फोर ऑफ आइडेंटिटी। अब चाहें तो इसको लिख सकते हैं फोर ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए, ये आपका ए इनवर्स यहाँ से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। अब बात ये है कि रिजल्ट यूज़ करने से पहले आपको देखना भी पड़ेगा कि जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, हालांकि इसमें बोला यही है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस इज द, इसमें कहीं भी इनवर्स का जिक्र किया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके पास थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आया एक, जो आपका थर्ड ऑर्डर का है। हालांकि वही ये स्टेप्स जैसे आप ए स्क्वेयर कर रहे थे यहाँ ए क्यूब कर देंगे, जहाँ ए स्क्वेयर कर रहे थे वहाँ ए क्यूब कर देंगे, बस प्रोसेस वही रहना है, स्टेप्स थोड़ी बढ़ जाएंगी और वो आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन में मार्क्स अगर आपको लेने तो स्टेप्स तो करनी पड़ेंगी उसी के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपको दिया है कि लेट लेट के आपको दी है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज व्हाट ऑर्डर थर्ड एंड दैट इज 1 1 1 1 2 -3 and 2 -1 3, ये दिया है बेटा आपको। ठीक है, करना क्या है शो दैट, शो कीजिए क्या ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस नाइन ऑफ ए माइनस फोर ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। पहले तो आप ये शो कीजिए बेटा और उसके बाद कह रहा है कि आप ए इनवर्स बी फाइंड कीजिए। देखिए ए क्यूब आपका क्या आना है ए स्क्वेयर इंटू ए, और ए स्क्वेयर बेटा ए इंटू ए। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वेयर, ए आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपल सा ये तो हो जाएगा सिक्स ए स्क्वेयर, ये नाइन ऑफ ए और हो जाएगा फोर ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए आप यहाँ ए स्क्वेयर निकालेंगे उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देंगे सिक्स ए स्क्वेयर आ जाएगा, ए आपके पास है ही डायरेक्ट आना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास। ये सारे रिजल्ट निकाल के अगर आपके सारे रिजल्ट सही हैं, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखी हुई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है, उन सभी रिजल्ट्स को यहाँ पुट करेंगे एंड यू फाइंड दैट LHS इक्वल टू व्हाट RHS। पहला, अब इस रिजल्ट को यूज करके आपको क्या निकालना है ए इनवर्स क्या आएगा वो देखिए। मैं क्या लिखूंगा ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस नाइन ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट फोर आइडेंटिटी। ये माइनस फोर उधर भेज दिया मैंने, फोर ऑफ आइडेंटिटी अगेन पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स मैंने क्या कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ए स्क्वेयर ए क्यूब है इसको मैं क्या ए स्क्वेयर इंटू ए नहीं लिख सकता, आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करनी ए इनवर्स से कर दीजिए। सिक्स ए स्क्वेयर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स प्लस नाइन ऑफ ए इंटू ए इनवर्स एंड दैट इक्वल्स टू फोर आई इंटू ए इनवर्स हो गई। अब क्या होगा, दिस इज आई ए स्क्वेयर, दिस इज अगेन आई सिक्स ऑफ ए एंड दिस इज नाइन ऑफ आइडेंटिटी इक्वल्स टू फोर ए इनवर्स। देन व्हाट इज ए इनवर्स, वन बाई फोर ए स्क्वेयर माइनस सिक्स ऑफ ए प्लस व्हाट नाइन ऑफ आइडेंटिटी, ये है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये आपको सोल्व करना है, इसके बिना आप इस रिजल्ट को यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि जब हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में तो हम एडजॉइंट का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक जो लॉजिक इसमें दिया गया है वेरीफाई वाला उस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, जो जो डिजिट उसने पूछी हैं वो हमने निकाली, पहला आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए क्यूब दैट इज ए स्क्वेयर इंटू ए एंड ए स्क्वेयर इज व्हाट ए इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इंटू ए एंड दैट ऑलवेज इंटू ए, ये पोस्ट मल्टीप्लाई इसमें रहेगा क्योंकि आपको ए क्यूब निकालना है, जो ए स्क्वेयर ऑलरेडी आप निकालेंगे यहाँ पुट कर दो, ए आपके पास ये है आइडेंटिटी, आपको इसी ऑर्डर की रखनी है। इन सभी रिजल्ट को रख के आप यहाँ रखेंगे, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कॉल आती है इसका मतलब आपके डाटा सारे सही है, पहला आंसर। दूसरा, यूजिंग दिस रिजल्ट, मैंने इस रिजल्ट को यूज़ किया माइनस फोर आई राइट हैंड साइड में प्लस फोर आई, ए इनवर्स मैंने क्या कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब रिटर्न ए स्क्वेयर इंटू ए ए इनवर्स ए स्क्वेयर ए इंटू ए ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई प्लस नाइन ए इंटू ए इनवर्स एंड दैट इज व्हाट द ऑल आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वेयर इंटू आई ए माइनस सिक्स ऑफ ए इंटू आई ए प्लस नाइन ऑफ आइडेंटिटी एंड दैट इज ए इनवर्स, ये फोर मैं कहाँ भेज दूंगा डिवाइड में भेज दूंगा मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16 में सेम रिजल्ट है, मैट्रिक्स डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद को करना है।
ठीक है, जब तक खुद नहीं करेंगे समझ आएगा ही नहीं आपको। सेम क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स तो डिफरेंट है, मेथड सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है वो रखिए, उसके बाद जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपको उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। सिंपल सा लॉजिक का स्टेप ज़्यादा है लेकिन अप्लाई आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर नहीं आता है, आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं आएगा, आएगा अगर आपके स्टेप सही हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है, वो यही कह रहा है। नॉन सिंगुलर का मतलब हमारे यहाँ क्या है, इन्वर्टिबल है। ऑफ ऑर्डर 3/3, कह रहे कि वो 3/3 ऑर्डर की है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। देन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटरमिनेंट। अगर मैं एडजॉइंट ए निकालूं और उसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो आप मेरे को बताएं। ऑप्शन आपको दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए स्क्वेयर, डिटरमिनेंट ए क्यूब एंड 3 times ऑफ डिटरमिनेंट ए। ये तो क्वेश्चन नंबर 17 है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है कि ए इज़ इन्वर्टिबल यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। ऑफ ऑर्डर 2, किस ऑर्डर का है, 2 का। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स एंड इट्स डिटरमिनेंट। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, फर्स्ट ए ऑप्शन दिया है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 1, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 0। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो आपको वेरीफाई करने हैं। चलिए, हमने आपको रिजल्ट बताया था बेटा कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है देन एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटरमिनेंट इज गिवन बाई ऑलवेज व्हाट, ए डिटरमिनेंट पावर एन माइनस वन वेयर एन डिनोट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। सिंपल सा लॉजिक था, एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ए एंड इट्स पावर एन माइनस वन वेयर एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब आपके पास अगर मैं उस रिजल्ट को यूज़ करूँ तो मेरे पास डिटरमिनेंट ए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटरमिनेंट इज व्हाट, डिटरमिनेंट ए एंड इट्स एडजॉइंट जो था उसका मोड आपका चेंज कर दिया है ना, मोड ऑफ ए एंड पावर एन माइनस वन, एन इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3 minus 1, therefore this is determinant a n power 2, option number 2, simple सा। इस result को ध्यान रखिए, adjoint of a and its determinant is always given by determinant a power n minus 1 where n represent the order of the matrix, तो order क्या आपके पास 3 है, 3 minus 1 2, that is a square। ये तो आपका 17 था। और बेटा 18 के लिए आपको क्या करना है, question number 18 में आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपको बताना है। मान लीजिए मैं कोई ए मैट्रिक्स ले ली, मैंने क्या ले ली 1 2 3 4, तो मोड ऑफ ए क्या होगा 4 minus 6, दैट इज -2, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं ए इनवर्स निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ए इनवर्स क्या आएगा 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, 1/ डिटरमिनेंट क्या है -2, ये रखा मैंने -2, एडजॉइंट क्या आएगा बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, और वैसे 2/2 के डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका 4 1, -3 एंड -2, नहीं ये आपका रहेगा -2 एंड -3, ये तो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और इनके साइंस में रहते, तो 4 1 -3 2, तो वन ये होगा आपका 4 -2 -3 एंड 1, ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब -1/2 की आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर चाहो तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो -1/4, ये -1/2 × 4, -1/2 × 3, -1/2 × -2 एंड -1/2 × 1, ये हुआ। तो क्या है ये, देखिए कैंसिल डाउन -2, ये -3/2, ये कैंसिल डाउन 1, और ये कितना है बेटा -1/2, आया कि नहीं है। अब आपकी जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ये थी, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये तो आएगा नहीं, ए इनवर्स का -2 है, ये आपका 1 है,
और माइनस थ्री बाई टू है माइनस वन बाई टू। आप चाहें तो इसमें से माइनस वन बाई टू कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ वन बाई टू तो क्या आएगा यहाँ से, आप माइनस वन कॉमन लीजिए पहले, तो ये जगह टू, ये थ्री बाई टू, ये माइनस वन और ये वन बाई टू। फिर अगर आप वन बाई टू कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस था पहले वन बाई टू कॉमन लिया, टू में से वन बाई टू आप कॉमन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई देखिए, ये आप देखिए ध्यान से, टू इंटू वन बाई टू आप फोर इंटू वन बाई टू लिखेंगे क्योंकि टू को, तो ये आपके पास हो जाएगा रिजल्ट माइनस वन आपके पास आया। देखो ये डिटरमिनेंट ए तो हो नहीं सकता, वन वैसे नहीं होगा, जीरो है नहीं, इसका मतलब रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आपके पास माइनस टू है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए आपने वन बाई माइनस वन टू निकाला है, यहाँ से रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है। तो मैट्रिक्स आपने क्या ली थी, वन टू थ्री फोर, डिटरमिनेंट ए आपके पास फोर माइनस सिक्स माइनस टू है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ए इनवर्स आपने निकाला, तो ए इनवर्स कैसे निकाला, वही मेथड हमारे पास, एडजॉइंट लिखे हमने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो ए इनवर्स क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास डिटरमिनेंट कितना है माइनस टू, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, यहाँ से इनको इंटरचेंज कर दो, ये तो फोर और ये वन, और इनके साइन चेंज कर दो, ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा माइनस टू एंड माइनस थ्री। अब ये जो है इसका डिटरमिनेंट निकालना हमें एक्चुअली में, क्योंकि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो चाहिए हमें, देखो क्या है, तो क्या आएगा, अंदर मैं इसको ले जाऊँ तो माइनस वन बाई टू इंटू फोर, ये हो जाएगा बेटा माइनस वन बाई टू इंटू थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू माइनस टू, और ये माइनस वन बाई टू इंटू वन। एक्चुअली हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो पहले सॉल्व तो करें, ये कैंसिल डाउन, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये कितना हो जाएगा कैंसिल डाउन प्लस वन, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस थ्री था, प्लस हो जाएगा थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस वन बाई टू, हो गया। अब क्या आएगा सोल्व करने से, ए इनवर्स एंड इट्स डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, माइनस टू वन थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाई टू, क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, टू इंटू वन बाई टू वन माइनस, एंड वन माइनस थ्री बाई टू वन इंटू थ्री बाई टू थ्री बाई टू, तो वन माइनस थ्री बाई टू माइनस ऑफ हाफ, यानी कि ए इनवर्स एंड इट्स डिटरमिनेंट जो आपके पास आया हुआ है माइनस वन बाई टू। आप देखेंगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए था उसका रेसिप्रोकल ही तो होगा भाई, माइनस टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस वन बाई टू, यानी कि मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे क्या, ए इन डिटरमिनेंट जो था उसका इनवर्स, यानी कि वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आंसर में सिर्फ इतना चेंज कर दिया कि डिटरमिनेंट को आपको थ्योरी में लिख दिया, भैया एक्चुअली में डिटरमिनेंट क्या है, यही तो है, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सेकेंड। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5 यहाँ ख़त्म होती है, और लास्ट एक्सरसाइज बचती है आपकी 4.6 सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस कंप्लीट एडजॉइंट और मैट्रिक्स के जो इनवर्स है इसको फॉलो करें, ध्यान दें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।